खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। अब फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। अजीबोगरीब मामले में पटने से आई ये खबर आपका सिर घुमा दी की, जहां एक 6 महीने के बच्चे के पेट में 8 महीने के भ्रूण के मिलने का मामला सामने आया है। पटना के पीएमसीएच में इस मामले के उजागर होने के बाद डॉक्टर भी हैरान हैं। दरअसल 1 महीने पहले बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले मोहम्मद मोइदीन ने अपने 6 महीने के बच्चे को पेट में दर्द होने की वजह से पीएमसीएच के शिशु विभाग में एडमिट कराया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच में पाया कि बच्चे के पेट में भ्रूण है, जिसके बाद बच्चे का ऑपरेशन किया गया। ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसे फीटस इन फेटू कहते हैं। अब आप फीटस इन फेटू क्या है ये समझ लीजिए। ये एक तरह का पैरासिटिक ट्विंस का मामला होता है, जिसमें माँ के पेट में पल रहे दो भ्रूण में से एक भ्रूण अपने भाई या बहन को निगल जाता है और दूसरा बच्चा निगलने वाले बच्चे के पेट में पलने लगता है। कोई भी महिला इस कंडीशन की शिकार तब होती है जब एक जुड़वा बच्चे का विकास गर्भावस्था के दौरान रुक जाता है, हालांकि वो पूरी तरह विकसित होने वाले बच्चे से जुड़ा रहता है। इस सर्जरी को करने वाले डॉक्टर और चाइल्ड सर्जन प्रदीप नंदन ने बताया कि 5 लाख बच्चों में एक ऐसा केस सामने आता है। बच्चा 6 महीने का था, इसलिए उसके ऑपरेशन की तैयारी करने में 1 महीने का समय लगा, जिसके बाद शिशु विभाग के 4 डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी कर एक 8 महीने के भ्रूण को निकाला, जिसके हाथ पैर बन चुके थे। जन्म से ही उसके पेट में गोला था, ट्यूमर था, और वो ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ रहा था, है ना। बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत हो रही थी, खाने में दिक्कत हो रही थी, खा नहीं पा रहा था, इसलिए वो बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। इसलिए उसको भर्ती किया गया और उसको सलाह दिया गया कि आपको ऑपरेशन कराइएगा, तभी सुधार होने की संभावना है। रिस्क उसके लिया, रिस्क काफ़ी रिस्क है उस केस में। हम लोगों ने उसको इलाज के बाद काफ़ी केयर ले रखा है। ऑपरेशन में बच्चे के अंदर मेल चाइल्ड है, लड़का है, इसके अंदर बच्चा निकला, ठीक है ना। ये बहुत 50,000 केस बच्चे जन्म देते, तो एक केस ऐसा देखने को मिलता है, बहुत रेयर। कंजेनिटल एनिमली है, जन्मजात बीमारी, कंजेनिटल एनिमली है, ठीक है। स्टेबल अभी तक अच्छा रिस्क है इसमें, बच्चा भी ठीक है। 1 महीना से उसका तैयारी चल रहा था, सारी को कराया गया, बहुत सारा टेस्ट कराने के बाद इसको हम लोगों ने ऑपरेशन के लिए रखा। बहरहाल मामले के इतना रिस्की होने के बाद भी डॉक्टरों ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया। फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है और उसकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। पटना से सुचित गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।